अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। काफ़ी टाइम हो गया यार, वीडियो नहीं बना पाया मैं, क्योंकि काम आपको पता है, मैंने दो तीन प्रोजेक्ट्स और भी उठाए हुए थे, तो उन पे भी काम करना बड़ा ज़रूरी था। लेकिन आखिरकार हमें टाइम मिल ही गया। और मीनवाइल यार, बहुत ही ज़्यादा बचगाना क्वेश्चन आते हैं। बचगाना क्वेश्चन आप कह लो कि मैंने पहले भी बताया था अपनी लास्ट वीडियो से पहले भी, जिसमें मैं कोर्स लॉन्च किया था कि अगर कोई सीखना चाहता है तो वो कोर्स ले ले। खैर वो भी मैंने ख़त्म कर दिया, मैं कोर्स भी किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों का इशू आपको पता है, बहुत ज़्यादा जो है ना, रोना पीटना स्टार्ट हो जाता है कि मेरे हालात ऐसे हैं, इसलिए मैं काम करना चाहता हूँ। भाई काम करना चाहते हैं अच्छी बात है, लेकिन आप DAT पे $200 इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोर्स के ऊपर आप लोगों को शायद वो होता होगा, तो वो कोर्स वाली तो खैर बात आई गई होगी। अभी जो क्वेश्चन आ रहा था, बहुत ज़्यादा कुछ मेरे एम्प्लॉयज थे जो छोड़ के गए, उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया हुआ है उन्होंने, और कुछ करना चाह रहे थे, कुछ आप कह लें कि जो प्रीवियस मेरे साथ कांटेक्ट में रहे हैं, स्टूडेंट्स रहे हैं मेरे, यूट्यूब के ऊपर ही मैंने मतलब बड़ा बेलोस होकर भी सिखाया लोगों को काम। तो बात करने का मकसद ये है कि उनकी तरह से बहुत ज़्यादा इनपुट इस बात के ऊपर आ रहा था कि DAT शायद बैन हो गया है। बैन तो नहीं हुआ, DAT में एक्चुअली उन्होंने एक थोड़ी सी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी उन्होंने, जैसे 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है, इसी तरह एक तो उन्होंने ऑथेंटिकेशन नई डाल दी उसके अंदर। दूसरे नंबर पे उन्होंने जो काम किया वो काम ये किया कि अगर जैसे पहले हम कोई भी डिस्पैचिंग कंपनी जाते थे DAT के ऊपर, हम जाके क्या करते थे, वहाँ पे दो ऑप्शन आते थे, या तो MC नंबर देना होता था या तो डॉट नंबर देना होता था, और या फिर आप उनको कह देते थे कि मेरे पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, IM डिस्पैचर, क्योंकि वो वहाँ पे अदर कंपनी का ऑप्शन आ रहा होता था, तो आप वहाँ पे जाके अपना ये नंबर देके तो आप DAT की एक्सेस ले लिया करते थे। अब हुआ ये कि स्कैम बहुत ज़्यादा हुआ, उस वजह से उन्होंने उसको भी ख़त्म कर दिया कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ही नहीं होगी अनटिल और अनलेस उसके पास अपना DOT नंबर है या MC नंबर है। अगर वो डिस्पैचिंग कंपनी भी है तो ये दोनों चीज़ें लेके चलेगी। तो उस हवाले से काफ़ी कंपनीज ऐसी थी जिनके DAT बंद हो गए, ठीक है। तो वो DAT बंद होने के बाद मतलब मुझे एक दो बच्चों का कॉल आया कि सर पाकिस्तान के 5,000 अकाउंट बैन हो गए, फलां हो गया, उन्होंने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल दिया। ये सब फेक है, फेक न्यूज़ है। इसके पीछे बहुत सारी ना टेक्निकल चीज़ें मैटर कर रही थी। कुछ तो हमारे पाकिस्तानी वैसे ही आपको पता है माशाल्लाह, बंदा क्या ही तारीफ करे, जितनी करे काम में। तो कलेक्टिवली अगर देखे, एक इंडस्ट्री थी, ट्रकिंग इंडस्ट्री थी, अच्छा काम था, अच्छा लोग पैसा कमाते हैं वहाँ भी ट्रकर्स को बहुत रिच क्लास में वो काउंट करते हैं। हम तो यहाँ पे ट्रक ड्राइवर कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन वो वहाँ पे जो और जॉब्स करने वाले हैं ना, मैं तो रह के हूँ, मैंने देखा है, तो और जॉब्स करने वालों में जो ट्रक ड्राइवर है ना, या जो ट्रकिंग कंपनीज के ऑनर हैं, वो काफ़ी रिच लोग हैं। तो उनके लिए अगर फॉर एग्जांपल एक ट्रक ने ग्रॉस रेवेन्यू किया था पूरे मंथ में $30,000 है ना, तो डिस्पैचर उसमें से 10% अपना कट लेता था। ऑन एक्चुअल देखा जाए बिजनेस का 15% सैलरी होती है, कोई भी एम्प्लॉय है उसका 15% सैलरी में जाता है। तो आप उस तरह 15% ना भी करें तो 10% पे जो डिस्पैचर उस टाइम पे काम किया करते थे, वो 30,000 के रेवेन्यू के ऊपर $3,000 पर ट्रक बचा लिया करते थे। इट वाज टू लाइक नॉर्मल इन दैट टाइम। तो पाकिस्तानी आपको पता है, और सिर्फ पाकिस्तानी कम नहीं है, इंडियंस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वो 10% का कमीशन उठा के ड्रॉप करते 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 5%, 4%, इवन आज की डेट में मैं देख रहा हूँ लोग 2.5% पे काम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा वो कौन लोग हैं जो 2.5% पे भी काम कर रहे हैं इस टाइम पे? वो लोग हैं जिन्हें काम ही नहीं आता,
जिनको फॉर एग्जांपल एक ट्रक वाले ने आपसे कमिटमेंट कर ली कि आई वांट टू मूव माय ट्रक अराउंड $3 पर माइल, अब आपने एज अ सेल्स पर्सन उसे ग्रैब किया, आपने मना लिया $3 पर माइल पे, अब आप उसको जब लोड करवाने की बारी आती है, इफ़ यू डोंट हैव गुड कनेक्शंस विद द ब्रोकर्स आप नहीं कर पाओगे $3 पर माइल, ठीक है, तो आप 2.5, 2.6, 2.2 यहाँ पे आप लोड क्लोज करके दोगे, फिर आप उसे पुश करोगे, जिसे हम ये भी कहते हैं फोर्स डिस्पैचिंग, है ना। तो जब आप फोर्स करके उसको दे देते हो, एक लोड ले लेता है, दो ले लेता है, तो इस तरह के डिस्पैचर यही कर रहे हैं कि अगर उसने दो लोड भी कर लिए हैं या तीन लोड भी कर लिए हैं, उन दो तीन लोड्स में उसने $200-$250 कमा लिए है, उसे नहीं फर्क पड़ता कि ट्रकिंग कंपनी बंद हो जाएगी अगर वो लॉस में चलेगा। मुझे एक बात बताएं, एक कंपनी है या कोई भी बिजनेस है, वो ब्रेक इवन से ऊपर चलेगा तो वो सस्टेन करेगा बिजनेस में, अगर वो ब्रेक इवन से नीचे जाएगा ना तो वो एक महीना बेर करेगा, दो महीने करेगा, तीन महीने करेगा, अल्टीमेटली वो चौथे महीने बिजनेस से बाहर हो जाएगा। और यही हो रहा है इंडस्ट्री में, बहुत ज्यादा हमारे क्लाइंट्स, मेरे अपने खुद के क्लाइंट्स ऐसे थे कि वो भी खैर कम तो वो भी नहीं करते, पैसे बचाने की कोशिश वो भी पूरी पूरी करते हैं कि एक डिस्पैचर के साथ काम नहीं करना, उन्होंने दो डिस्पैचर हायर किए होते हैं, एक काम सही भी कर रहा हो तो दूसरा गलत कर देता है, तो कंपनी लॉस में चली जाती है। अब लॉस में जाती है तो काम सिर्फ ट्रक वाले का बंद नहीं हो रहा भाई मेरे, आपका काम भी बंद हो रहा है। अगर आप अच्छा काम करके दोगे, क्वालिटी का काम आप दोगे, अगर आप उससे कमिटमेंट कर रहे हो, खैर मेरी कंपनी में तो मैंने पॉलिसी इम्प्लीमेंट ये की हुई है कि आपने कभी भी उसको ये नहीं कहना कि अगर वो आपको कह देता है कि यार मैं एक डिस्पैचिंग कंपनी से काम कर रहा हूँ ऑलरेडी और वो मुझे चार्ज कर रहे हैं 5%, यू विल नेवर ऑफर देम 4%, इवन 5%, हमारा पिच ही 7% है, हमने 7% से नीचे काम नहीं करना, आपने 5 वाले से कर रहे हो, आप हैप्पी हो करो, हमें नहीं फर्क पड़ता, आप 4 वाले के साथ खुश हो आप करो, क्योंकि 4 वाले ने काम 4 वाला ही करना है भाई, जो साथ ले रहा है उसके पीछे रीजनिंग है, उसने जो डील आपसे ब्रेक की है उसने आपको बोला है कि मैं आपको $3 पर माइल दूंगा, तो वो $3 पर माइल का ही लोड देगा। हाँ ठीक है, वेरिएशन होगी 2.9, 2.95, 3.5, 3.10, ऑन एवरेज मंथ का जब काउंट करेंगे तो वो $3 पर माइल ही निकलेगा। तो हमारे यहाँ तो इस तरह से क्वालिटी इंश्योर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब वो जो 2 और 2.5 वाले हैं, उन्होंने माशाल्लाह इंडस्ट्री को ऐसा ओके किया, खैर परेशान होने की बात नहीं है, कितना को वो सस्टेन कर लेंगे वो भी वक्ती तौर पे एक थोड़ा सा प्रॉफिट एंजॉय कर लेंगे तो कर लेंगे, लॉन्ग रन में इट्स नॉट गुड फॉर देम। तो सस्टेन वही करेगा जो क्वालिटी को फोकस करेगा। हमारे ड्राइवर्स साल साल डेढ़ डेढ़ साल, अब मुझे काम स्टार्ट किए हुए ऑलमोस्ट 2 ईयर्स होने वाले हैं, तो जो मेरे साथ स्टार्ट से था वो आज भी मेरे साथ है, क्यों, ही बेटर नो कि जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ ये मुझे काम करके दे रहा है और जिस तरह काम मुझे चाहिए। आज भी लास्ट वीक बल्कि मैं मीटिंग कर रहा था अपने डिस्पैच वालों से, तो मैं उनसे पूछ रहा था बॉक्स ट्रक का एवरेज क्या आप करवा के दे रहे हो, तो वो बोल रहे थे कि सर हम एवरेज पे जाके 1.4, 1.1, 1.3, 1.5 मैक्स। मैंने कहा मैं आज भी आपको $2 पर माइल पे बॉक्स ट्रक रन कर देता हूँ, ठीक है, इफ समबडी वांट अ चैलेंज आप कर सकते हैं सर, नो प्रॉब्लम, आई एम ओपन फॉर योर चैलेंजेस। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि यू हैव टू हैव सम कनेक्शंस, यू हैव टू हैव गुड कनेक्शंस विद द ब्रोकर्स, विद द शिपर्स, जब वो होंगे तो वो लोड तो DAT पे आना ही नहीं। अब मेरे पास कुछ लोड्स आते हैं डेली बेसिस पे, वो DAT पे पोस्ट ही नहीं होते। अब जो DAT पे पोस्ट नहीं होगा भाई मेरे, जो 5,000 बंदा या 5,00,000 बंदा पाकिस्तान, इंडिया, फिलीपींस, चाइना, जहां से भी बैठ के DAT को देख रहा है, उसको वो लोड नजर ही नहीं आना भाई। वो लोड तो जो उनके जिन मतलब पुराने कनेक्शंस को उन्होंने प्रिविलेज दिया हुआ है, तो वो तो उनको वो ईमेल थ्रो करते हैं, उनमें से वो लोड कवर हो जाता है, और वो प्रिविलेज सिर्फ मुझे नहीं मिला होगा, और भी बहुत सारे अच्छे काम करने वाले लोग होंगे, तो वो अगर 1,000 कंपनीज भी हैं और वो 1,000 लोड तो ऑलरेडी कवर हो गया, जो $2 पे जाना था या 1.8 पे जाना था या 2.3 पे जाना था, तो अच्छे लोड तो कवर हो गए, आप क्या करोगे। तो भाई काम जब करते हैं तो उसमें कभी भी कंपेटिटिव प्राइसिंग के ऊपर जाके आप पिच नहीं करते कि यार मैं, जैसे कई इम्प्लॉयज, मतलब शायद मेरी इम्प्लॉय भी कुछ
कर रहे होंगे इसी तरह कि यार हमारे अगर कंपनी वाले 7% पे कर रहे थे तो मैं 5% पे कर दूंगा काम उसको। भाई जरूर कर दोगे 5% पे, हो भी सकता है आप अच्छा भी कर दोगे आप, लेकिन पूरी मार्केट को आप सिर्फ आप नहीं कंपनी छोड़ के जाते हो, और भी बहुत सारी कंपनीज में से बहुत सारे लोग छोड़ के जाते हैं, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि जिसके नसीब में जितना है उसको मिलना है, लेकिन स्टिल आप का एक इम्पैक्ट होता है, या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। तो बजाय सारे मिल के इसको नीचे लेके आने के ऊपर भी लेके जाया जा सकता था। खैर ये डिस्कशन लंबी हो जाएगी, तो वो जो इनपुट बहुत ज़्यादा था वो DAT के ऊपर था, तो भाई DAT को कुछ भी नहीं हुआ, DAT चल रहा है आज भी चल रहा है उसके बहुत सारे वे आउट्स हैं। तो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आप सबसे एक्सक्यूज़ करूंगा कि मुझे कमेंट्स ज़रूर करें, मैं कमेंट्स में आपको रिप्लाई बैक मैक्सिमम करूंगा। मेरे से रीच आउट करके मुझे कोई ये ना कहे कि सर आप हमें DAT ले दें, या सर आप हमें ये करवा दें, या सर आप, तो सर अब कुछ भी नहीं करेंगे, सर आपको एक्सक्यूज़ ही करेंगे। हाँ जितना एजुकेट कर सकूंगा आपको पॉजिटिव वे में रहते हुए उतना एजुकेट करूंगा। हाँ रही बात किसी को डिस्पैच सीखना है ना, तो भाई मेरी वीडियोस में इनफ कंटेंट है। इफ़ यू आर अचीवर और आप लोगों में थोड़ी सी इतनी सी भी अगर समझने की सलाहियत है ना, तो मेरी जो वीडियोस 5-6 या 7 वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई है ना मेरे चैनल पे, दे आर मोर देन इनफ। आपको मेरा नहीं ख्याल कि और या तो कोर्स ही लेने की कोई ज़रूरत है या तो कुछ और करने की ज़रूरत है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और क्वालिटी पे काम करें। ठीक है, क्वालिटी के बजाय काम मुझे नहीं समझ में आता। मैं बेशक छोटे से छोटा भी काम करता हूँ तो मेरी आदत है कि मैंने उसकी क्वालिटी इंश्योर ज़रूर करनी है। जब तक अगर क्वालिटी नहीं होगी तब तक मज़ा नहीं आएगा, मुझे तो एटलीस्ट मज़ा नहीं आता। बाकी अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल। बाकी कोई क्यूरीज आती बहुत है यार, मतलब टॉपिक्स इतने हो जाते हैं, एक एक टॉपिक पे बोलना भी बड़ा मुश्किल होता है, और बोलने से ज़्यादा ये मसला आ रहा होता है कि टाइम नहीं मिल पाता। या तो क्या कहते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि फैच करूँगा कुछ टॉपिक्स जो जिनमें बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। अगर आप लोगों को कोई बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है किसी चीज़ में, तो वो आप यूँ कह लो कि कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा कि उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँ। चलें जाते जाते एक प्रो टिप ले लें कि DAT का सलूशन क्या है। अगर DAT ने भाई आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है DOT और MC नंबर के ऊपर, तो भाई MC नंबर अप्लाई कर लो ना, $600 लगेगा, अप्लाई कर लो, ले लो MC नंबर, क्या मसला है। नहीं $600 आप लगा सकते, कोई इशू नहीं। आप फिर एक काम करो, आप कोई अच्छा सा अपना कनेक्शन ढूंढो US में, जिसका ट्रक अपना हो है ना, जिसकी अपनी कंपनी हो, उससे फेवर ले लो। अगर उससे फेवर नहीं ली जा सकती तो और भी यार, मतलब आप अपने ट्रक ड्राइवर से ले सकते हो अगर आप अच्छा काम करने वाले हो। वही बात है, अगर आपने सर से उतारना तो आपको कोई क्या देगा। मेरे ड्राइवर्स के साथ मेरे ऐसे कनेक्शन थे, वो मुझे वीडियो कॉल्स पे वो दिखा रहे होते हैं रियल टाइम में कि ये लोड बुक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन की बात है सारी, कम्युनिकेशन अपनी अच्छी करें, आपके हर मसले का हल निकल आएगा। बाकी और सलूशन और भी मेरे देन में वो चले जा रहे हैं, तो सबसे ईजीएस्ट सलूशन यही है कि आप जो है ना वो अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो आपके ड्राइवर्स हैं, आप उनसे फेवर ले लो, आप उनको बोलो कि पे मैं कर दूंगा, ठीक है, तो एक्सेस आप मुझे ले दो, तो आपको क्या ज़रूरत है मतलब इधर उधर भागने की। और हाँ एक यार बहुत ज़्यादा मसला वो ये भी था कि मुझे बहुत सारे लोगों ने रीच आउट भी किया इस चीज़ के ऊपर कि सर आप डिस्पैचिंग का काम करते हैं, आप हमसे लोड बोर्ड ले लें, हम आपको लोड बोर्ड जो है ना वो $50 में दे देंगे पावर। इट वॉज लाइक अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी।
I'm paying $195 for DAT power and this guy is specifically saying me that $50 में ले लो, मैं दे दूंगा आपको. तो खैर अब जितना इंडस्ट्री में मेरा एक्सपीरियंस है तो मुझे आइडिया हो गया था कि वो क्या कर रहा है या किस तरह से वो कर रहा है इस चीज़ को. तो भाई इन चीज़ों से बचे, मतलब ले लेंगे आज आप 50 दे के ले लेंगे, दो दिन बाद आप उसका उसके घर पहुंचे होंगे, उसका सर फाड़ रहे होंगे कि भाई ये क्या मसला है, आपने हमें और लेके दें. वो और भी ले देगा दो दिन बाद, वो भी बंद हो जाएगा. तो वो जो भी इम्प्लीमेंटेशन करके कर रहे होते हैं वो सही वे नहीं है इस चीज़ का ना, वो एक गलत वे है. जो राइटेस्ट वे इसका मेरी नज़र में अभी तक नज़र आ रहा है मुझे, वो बेस्ट सोल्यूशन पॉसिबल यही है कि आप अपने क्लाइंट से फेवर ले लो. तो अगर अच्छा काम कर रहे होगा आपको हर चीज़ में फेवर मिल जाती है, सही है. इसके अलावा बच्चों को LLC में बहुत ज़्यादा इशू